हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना सिंह आपका अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, आंसर राइटिंग सीरीज़। तो आंसर राइटिंग सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग करेंगे UPPSC, UPSC, MPPSC, BPSC, उत्तराखंड PSC, जितने भी PSC हैं उनके आंसर राइटिंग करेंगे। मतलब हम ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो सब PSC में पूछे जाते हैं, थोड़े से करेंट से रिलेटेड टॉपिक, थोड़े से सब्जेक्ट वाइज टॉपिक। तो आज से हम लोग आंसर राइटिंग, मैं एक क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, आप चाहें तो उस क्वेश्चन को पहले देख के और पहले ही अपने आंसर की फ्रेमिंग कर लें और फिर उसके बाद मेरा आंसर देखें एज अ आइडियल आंसर के तौर पे। तो इसमें मैं क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद उसके आंसर की मैं एक आइडियल टाइप बताऊंगी कि इस टाइप से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। हाँ, मैं शॉर्ट में ज़रूर बताऊंगी, उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, मैं उसके पॉइंटर्स आप लोगों को बताऊंगी ताकि उसको डिस्क्राइब आप अपने शब्दों में कर सकें और आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना सीख सकें। क्योंकि आप कितना भी प्री एग्ज़ाम निकाल लीजिए दोस्तों, आपको मेंस एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी होता है। कितना भी प्री की तैयारी कर ले, लेकिन जब तक प्री तो सिर्फ एक एंट्री गेट होता है, जब तक मैं मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, मेंस नहीं निकालेंगे, और मेंस निकालने का मेन एक फंडा होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग। चाहे आपका सिलेबस पूरा हो या नहीं हो, आपको आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मेंस वाले तो पूरा प्रॉपर पूरे दिन मेंस पढ़े, लेकिन जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो दिन में एक घंटा ज़रूर आंसर राइटिंग के लिए निकाले। मैं भी यही काम करती हूँ, इसलिए मैं एक घंटा ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ और वही एक घंटा मैं आप लोगों को निकालने के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आंसर राइटिंग सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी इसमें कि आंसर राइटिंग को आपको लिखना कैसे है। तो प्रश्न लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो सबको पता है, ये मैंने सिर्फ आपको कंक्लूजन देने के लिए बताया। सबसे पहले प्रस्तावना आती है, फिर इसका मुख्य भाग आता है और फिर इसका इसमें निष्कर्ष आता है। तो प्रस्तावना भी आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मुख्य भाग मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंटर आप मुख्य भाग में डाल सकते हैं और निष्कर्ष आप अपने हिसाब से लिखेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप कैसे उसमें इंक्लूड करेंगे निष्कर्ष को। तो चलिए शुरू करते हैं आज से ही हम लोग अपने आंसर राइटिंग सेशन को। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल संसाधनों के वितरण तथा जल संरक्षण के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, UPPSC, UPSC, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, बिहार PCS, MP PCS, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसका आंसर हमें लिखें कैसे। इजी है, बट आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं तो वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले आप किसी कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई ग्राफ बना सकते हैं, कोई जब भी आप आंसर राइटिंग करें उसमें ग्राफ को वेरिएशन दें। अब यहाँ मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर रखी है, तो टाइपिंग में ग्राफ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ग्राफ आप पेपर में नहीं बना पाएंगे जो टाइपिंग वाली होगी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक ग्राफ कौन कौन से तरीके से बन सकते हैं उसके लिए वीडियो बनाओ, तो मैं एक वीडियो उसको डेडिकेट कर दूंगी कि आप 3D, 4D में, 2D में कैसे कैसे ग्राफ बना सकते हैं, जैसे मैं अपने एग्जाम में बनाती हूँ। तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल संसाधनों के वितरण जल संरक्षण के प्रमुख उपाय। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया है हमें जल संसाधन का वितरण, पहला एक की पॉइंट पकड़ो, वितरण वितरण बताना है हमें और इसका प्रमुख उपाय बताने हैं। किसके उपाय बताने हैं हमें, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय बताने हैं। तो जल संसाधन जो है हमारे पास, उसका वितरण कैसे कैसे है ये हमें बताना है। तो दो क्वेश्चन इसमें आ गए, तो ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे पृथ्वी पर जल संसाधनों की वितरण की स्थिति। और एक बात मैं पहले बता दूं, मैं ये मुख्य भाग बता रही हूँ, इंट्रो आप किसी दोहे से शुरू कर सकते हैं, जैसे कबीर जी का एक दोहा भी है पानी के ऊपर, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, वो दोहा भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, किसी की कोई पंक्ति डाल सकते हैं, और या तो कोई न्यूज़पेपर में नई कटिंग आई हो वो वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, कोई लेटेस्ट नया डाटा हो वो इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें वितरण में जल ही जीवन है और जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है, ये तो आप लोगों को पता है। इसको आप अपने ही लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखना, ये तो मैंने दो पॉइंट आपके लिए डाल दिया है यहाँ पर।
नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है डाटा जो यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि जल संसाधन के वितरण बताइए। तो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। महासागरों में 97.25% पर जल है और हिमानियों में जल वही 2.05% है। अब हिमानियों में जो जल है और जो शुद्ध जल हिमानियों में भी होता है और भूमिगत जल 0.66% है और वहीं झीलें जो हैं वो 0.01% है। तो ये है जल संसाधनों का वितरण। अगर कोई और डाटा आपको जो आजकल के लेटेस्ट मिलता है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये वितरण के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय के बारे में बताइए। तो जल संरक्षण के प्रमुख उपाय आप पहले तो अपने मर्जी से लिख लीजिएगा, फिर मैं जो बता रही हूँ हो सकता है आप लोग ना लिख पाए तो उसमें से आप लिखना। पहले ये अपना लिख लो, फिर मेरे आंसर से आप लोग मैच कर लो। जल संरक्षण के उपाय हैं वर्षा जल संग्रह, जो वर्षा होती है उसका संग्रहण करना, वनावरण वन को लगाना क्योंकि उनकी जड़ें पानी को जगड़ के रखती हैं पृथ्वी पर जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर मतलब कि ऐसी फसलें उगाना जिसमें जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम होती है ऐसी फसलें उगाना, तो जिस जगह पर पानी कम है वहाँ पर ऐसी फसलें उगानी चाहिए। नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा कृषि की ड्रिप सिंचाई को अपनाना, छोटे तालाबों का निर्माण करना, लोगों में जागरूकता का, लोगों को पता ही नहीं होगा कि जल संरक्षण करना है तो वो लोग कैसे करेंगे, घरों के आसपास छोटे छोटे जल संग्रहण करना, पानी का पुनर्चक्रण द्वारा भूमिगत जल को बढ़ावा देना, मतलब कि पानी जो है वेस्ट हो रहा है उसको ऐसे नदियों नालों या गड्ढा बनाकर इकट्ठा करना और ताकि वो भूमिगत में वाष्पीकरण से वर्षा बन जाए या भूमिगत में वापस चला जाए। और नेक्स्ट लास्ट है इसमें सरकारी जल संरक्षण नीतियों का सही क्रियान्वयन, जैसे कि हर घर जल योजना है जिसमें गोवा फर्स्ट, इस समय ये आप लिख सकते हो कंक्लूजन में कि सरकार की एक योजना हर घर जल में गोवा पहले राज्य के तौर पर उभरा है, ये आप निष्कर्ष के तौर पे डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उपाय में आप लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स आपके उपाय में आ जाएंगे। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इजी था थोड़ा, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते थे, बट मैंने शुरुआत ऐसे करनी चाहिए। अभी हम इसमें हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम सिर्फ डेली 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करेंगे और फिर उसको आप क्वेश्चन देखना और आंसर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है HCNG से बेहतर कैसे है। HCNG मतलब कि हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और HCNG हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और HCNG के व्यावसायिक रूप के समक्ष चुनौतियों को बताइए। मतलब कि HCNG, पहले तो आप भैया 2 क्वेश्चन है इसमें भी कि पहले तो ये बताओ कि HCNG CNG से कैसे अच्छा है और हम HCNG के व्यावसायिक जो अगर हम रूप में उपयोग करते हैं डेली जिंदगी में अपना व्यावसायिक रूप में, तो उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो सबसे पहले HCNG बेहतर कैसे है, क्योंकि इसमें ईंधन में 5% की कमी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 70% तक कम होता है जो कि एक बहुत घातक गैस है। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो आप ग्रीन हाउस गैसों में कमी आती है इसके जब ये इसका दहन होता है तो ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती हैं। सुरक्षा में बढ़ोतरी, मतलब कि ये CNG की तुलना में अधिक सुरक्षित है। हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, जो कि पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है, उसके उत्सर्जन में कमी आती है जब इसका दहन होता है तो इसलिए HCNG CNG से बेहतर है। समझ में आ गया होगा आपको कि बेहतर के में आप ये 5 पॉइंट डाल सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें है कि व्यावसायिक रूप में यहाँ जो इसके समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में बनाता है। चुनौतियाँ मतलब कि क्या क्या ऐसी चीज़ें रीजंस हैं जिनके कारण इसको लागू करना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसका HCNG के व्यावसायिक उपयोग के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं
उसमें अपेक्षाकृत इसकी लागत अधिक है। सीएनजी की तुलना में एचसीएनजी की लागत अधिक होती है, इसकी उपलब्धता बहुत कम है, हर एक जगह उपलब्ध नहीं है। ये आंतरिक दहन इंजनों में होता है, मतलब इसका जो दहन आंतरिक होता है वो इंजनों में होता है, जिससे गाड़ी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका परीक्षण और जो अनुमोदन होता है वो परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और मानक ब्यूरो द्वारा समय समय पर कराना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक लंबी प्रोसेस भी माना जा सकता है। मौजूदा इंजन को एचसीएनजी के अनुकूल बनाना, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि सीएनजी के वाहन अभी चल रहे हैं हमारे सब, अब सारे अगर एचसीएनजी बनाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा और कैसे सीएनजी को एचसीएनजी तुरंत ही चेंज कर सकते हैं। ऑटो एचसीएनजी सक्षम नहीं होंगे, इसका मतलब है कि अगर हम एचसीएनजी ऑटो को बनाते हैं तो वो लागू नहीं हो सकते, सक्षम नहीं हो सकते। मिश्रित सामग्री में कमी, मतलब कि जो भी मिश्रित गैसें होती हैं उसमें कमी होती है, सीएनजी में 20% होती है और वहीं ये एचसीएनजी में 14% होती है मिश्रित सामग्री, मिश्रित गैसें भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया। इसमें भी आप निष्कर्ष के तौर पे लिख सकते हो कि मौजूदा कमियों के बावजूद सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और लोगों के जन जागरूकता के द्वारा सीएनजी की जगह एचसीएनजी का प्रयोग करने से हम पर्यावरण संरक्षण में बहुत अधिक योगदान प्रदान कर सकते हैं, ये डाल सकते हो आप निष्कर्ष में। निष्कर्ष में और भी तरह से निष्कर्ष लिखे जा सकते हैं, वो आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो वहाँ पे। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है जो मैंने शुरू की है, होप आपको अच्छी लग रही होगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत अपना एफर्ट्स लगाया है। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सीरीज कैसी लग रही है और आगे ऐसे ही क्वेश्चन में और आपके लिए लाती रहूँगी, बनाती रहूँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।